हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। माई सेल्फ चित्रंजन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर फेवरेट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द थर्ड पार्ट। इससे पहले हम लोग दो पार्ट क्लियर कर चुके हैं, रिमेनिंग पोर्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कुछ थ्योरम करने वाले हैं, ओके, जिसमें थ्योरम नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको 2 या 3 थ्योरम्स प्रूव किया था, जिसमें 2 किया था, एक आपको मैंने होमवर्क में दिया था, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे गिवन है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक फिगर यहां पे क्रिएट करेंगे पैरेललोग्राम का। इस तरीके से ये सही रहेगा, ये पैरेललोग्राम हो गया हम लोगों का। अब इसमें आपको डायगोनल लिख लेना है। सपोज करें ये डायगोनल हमने ले लिया, ओके। अब इसे हमें प्रूव करना है कि डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सॉरी, अब दो हमें पैरेललोग्राम का डायगोनल लेना होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसे ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसका नेम दे देते हैं, ए बी सी डी, ओके, और ये ओ कर देते हैं। अब हमें स्टूडेंट यहां पे इस फिगर में प्रूफ क्या करना है, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वेयर ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स, अब यहां पे ये इतना गिवन है, विच इंटरसेक्ट एट ओ। क्लियर है स्टूडेंट, यानी ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे टू प्रूव, तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AO इक्वल टू OC एंड AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD। क्लियर है, अब हमें प्रूफ प्रूफ देना है कि ये कैसे प्रूफ होगा। क्लियर है, अब स्टूडेंट हमें ये वाली बराबर दिखानी है, इसे प्रूव करना है। क्लियर है, ये जो डायगोनल्स है ये इस पॉइंट पे क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ओके, तो इसे हमें प्रूव करना है। क्लियर है, अब स्टूडेंट हमें आगे क्या करना होगा, तो सबसे पहले ऐसा ट्रायंगल चूज करना होगा जिसमें ये दोनों इंक्लूड हो। तो अगर यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर हम इस ट्रायंगल को चूज करते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो इसमें हमारा ये भी आ जाता है, ये भी, ये चारों इंक्लूड हो जाता है। तो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो क्या ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा और ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, तो सीपीसीटी से प्रूव हो सकता है, तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओके, बिकॉज आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रूव किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसे हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये वाले ट्रायंगल से ही प्रूव हो सकता है,
क्लियर है, दोनों में से किसी ट्रायंगल से ये प्रूव हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई एक लेते हैं, यहां पे ओ ले लो सबसे पहले, ए बी ओ इन ट्रायंगल ए बी ओ इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ सी डी ओ ओके, इसमें हमें क्या क्या, हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होता है, तो ए बी इक्वल टू सी डी यहां पे लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सेकंड। अब आपका ये क्या है, ये तो इक्वल हो गया, ये हमारा इक्वल हो सकता है किस चीज से, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंगल्स ओके स्टूडेंट। अब यहां पे थर्ड हमें ढूंढना है, थर्ड क्या है, तो अब ये हो गया और तीसरा अब हमें कैसे, तो स्टूडेंट एक और हम कोई भी ढूंढ सकते हैं, जैसे सपोज करो ये एक एंगल है और एक ये एंगल है, तो अगर हमारा ये यहां लिखते हैं एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, ये कैसे होगा, इसका रीजन देना होगा, सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड, तो ये अल्टरनेटिंग एंड एसी ट्रांसवर्सल एसी इंटरसेक्ट एट ए एंड सी, सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल्स ओके, ये हम लिख सकते हैं। तो अब ये तीनों से हमारा क्या हुआ, देयरफोर ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ओ किस चीज से हुआ, बाय एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल ये है ये एंगल है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ओके। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफोर एओ इक्वल टू ओसी एंड देयरफोर यहां साइन होगा देयरफोर एओ ओसी एंड बीओ ओडी बी ओ इक्वल टू ओ डी बाय सी पी सी टी प्रूव्ड ओके स्टूडेंट। इट मीन्स इसके बराबर ये हो जाएगा सी पी सी टी से और इसके बराबर ये हो जाएगा, इस तरीके से प्रूव हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो सी पी सी टी से हमने क्या फाइंड कर लिया, यू कैन सी दैट एओ ओ सी इक्वल टू बी ओ ओ डी, क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम फाइव है, इन ए पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ओके। स्टूडेंट यहां पे है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इन ए पैरेलल द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके।
तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम यहां पे लेते हैं। ओके स्टूडेंट, पैरेललोग्राम ऐसे क्रिएट करते हैं। ओके, ए बी सी एंड डी। अब स्टूडेंट यहां पे कह रहा है कि इसका बाइसेक्टर जो है, इट मीन सपोज करें कि ये है, यहां पे हमने ले लिया, ओके, इसे O पे बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब हमें एनी इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो यहां पे ये टू कंजिक्यूटिव एंगल्स है, एंगल ए डी सी और बी सी डी, तो इसका बाइसेक्टर क्या है, डी ओ और सी ओ है, तो ये हमें प्रूव करना है, इसे हमें 90 डिग्री बताना है। क्लियर है? दिस इज द प्रॉब्लम, इट मीन्स थ्योरम। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे। तो गिवेन दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम where bisector of angle D and angle C आर डी ओ एंड सी ओ रेस्पेक्टिवली। दिस इज द गिवेन। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, तो प्रूव के लिए, टू प्रूव, प्रूव में हमें क्या करना है, एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? बस यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम क्या देंगे, एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसका रीजन क्या है स्टूडेंट, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम लोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द रीजन। ओके, ये लगातार दो हमारे एडजेसेंट एंगल, यानी लगातार दो एंगल्स के सम क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो अब स्टूडेंट इसका ये जो हाफ होगा, ये एंगल जो है ये हाफ है, तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 1/2 एंगल एडीसी प्लस 1/2 एंगल बीडीसी बीसीडी इक्वल टू 1/2 एंगल 180। ऐसा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ए डी सी का हाफ हमें इस ट्रायंगल से मतलब है, तो इसे ओ डी सी कर सकते हैं, एंगल ओ डी सी प्लस इसे क्या कर सकते हैं, ओ सी डी, ओ सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इतना हम कर सकते हैं। चलो, इतना तो हुआ। अब
इसका ट्रेंगल लेंगे, कौन सा ट्रेंगल लेंगे स्टूडेंट, तो इस ट्रेंगल को हम लेंगे, इस ट्रेंगल को लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। इस ट्रेंगल को आधार पर हमें ये दोनों का सम पता चल गया, तब ये हमें आसानी से पता चल सकता है। ओके, तो इस तरीके से इसे फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब सॉरी, इन ट्रेंगल ओडीसी, इन ट्रेंगल ओडीसी वी हैव एंगल ओडीसी प्लस ओसीडी प्लस एंगल डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये तीनों एंगल का सम क्या हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो स्टूडेंट ओडीसी, एंगल ओडीसी इसका वैल्यू कितना है, ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ये दोनों की वैल्यू, क्लियर है। प्लस एंगल डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे रीजन में दे दो, सिंस एंगल ओडीसी प्लस एंगल ओसीडी इक्वल टू 90 डिग्री। अभी से एंगल डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देन वी हैव फाइनली एंगल डीओसी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर लिया। कैसे किया, तो इसे समझो, ये बाइसेक्टर है हमारा, ये दोनों, और ये यहां पे मीट कर रहा है, तो मीट कर रहा है, तो इसे हमें 90 डिग्री प्रूव करना था, तो ये दोनों का सम हमने 90 ला दिया, तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। इसी तरीके से इसे प्रूव किया गया स्टूडेंट, तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हो कि ये कैसे हुआ। ओके, नाउ द नेक्स्ट थ्योरम, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इट ऑल्सो बाइसेक्ट द सेकेंड एंगल, ऑल्सो प्रूव इट इज अ रोम्बस। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थ्योरम। सो सबसे पहले एक हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम क्रिएट करते हैं, ओके, ए बी सी एंड डी। अब इसका एक डायगोनल लेते हैं, इसका ये डायगोनल है, क्लियर है। अब यहां पे कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल, यानी एक एंगल को अगर वो बाइसेक्ट करता है, तो सपोज करिए कि ये एंगल है, इसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, क्लियर है। द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इट ऑल्सो बाइसेक्ट द सेकेंड एंगल, यानी वो उसे भी बाइसेक्ट करेगा, क्लियर है। तो इसे हम थ्री ले ले रहे हैं और इसे फोर, क्लियर है। ऑल्सो प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस भी है, क्लियर है। तो सबसे पहले ये हमें पता करना है कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो बाइसेक्टर कैसे होगा, तो इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा ये आपस में, तो ये बाइसेक्टर हो गया, यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, इससे क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद इसे रोम्बस प्रूव करना है। तो स्टूडेंट जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्लियर है, ये दोनों आपस में बराबर है, और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आप जानते हो कि इक्वल होता है,
तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो इसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स वन और थ्री और फोर और टू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये और ये एंगल इक्वल हुआ तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर सिमिलरली ये तो ये क्या हो जाएगा, एक रोम्बस का शेप ले लेगा। क्लियर है? तो बस यही हमें प्रूव करना है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट, गिवन दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम वेयर बीडी डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल डी, देन एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी। ओके, लेट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वन और टू से इसे रिलेट कर लेंगे। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। इट मीन्स इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये हमें प्रूफ करना है। एंड यहां लिख देना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ शुरू करते हैं स्टूडेंट। इसमें प्रूफ क्या है, तो इंट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल बी सी डी, कौन कौन से ट्रेंगल को लिया हमने, इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को लिया। अब इसमें क्या क्या हमें थ्री, यहां पे हमें इक्वल क्या चाहिए, थ्री इक्वल टर्म चाहिए। इट मीन्स जो दोनों में क्या हो, इक्वल हो, उसे ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या क्या इसमें इक्वल है स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसमें अपोजिट एंगल इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? ये इक्वेशन वन हो गया। अब सेकंड हमारा क्या होगा, इक्वेशन वन में ये हो गया, सेकंड में आपका हो जाएगा इक्वेशन ये। ओके, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? इक्वेशन टू। एंड थर्ड वन भी सिमिलरली क्या होगा, ए बी सी डी हो गया। अब ए डी बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होगा। तो इक्वेशन थ्री हो गया। ओके, अब ट्रायंगल ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, ए डी बी। क्लियर है? ए डी बी और सी डी बी, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी बी बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, यहां पे इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री फ्रॉम
वन टू एंड थ्री वी हैव, ओके ये हो गया। अब जैसे ही ये हुआ स्टूडेंट, तो अब इसमें जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या हुआ, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये हम लिख सकते हैं सीपीसीटी से। देयरफोर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, इक्वेशन थ्री फोर। एंड इक्वेशन फाइव बाय सीपीसीटी, ओके। अब स्टूडेंट ये दोनों तो इक्वल हो गया, क्लियर है, बट यहां पे ये जैसे ही इक्वल हुआ तो अब बाइसेक्टर, बट एंगल डी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। तो अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम का है तो इसे वन और टू मिल करके बना है, थ्री प्लस एंगल फोर, क्लियर है इस तरीके से। तो वन और टू का, वन टू आपस में इक्वल है और थ्री फोर आपस में इक्वल है, तो ये दोनों का सम इस दोनों सम के बराबर है। देयरफोर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल वन, अगर वन टू तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री एंगल टू एंगल थ्री सॉरी एंगल थ्री एंगल टू यहां लिख सकते हैं, या एंगल वन, एंगल वन से रिलेट करो, यहां समझो थोड़ा सा, एंगल वन प्लस एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री, इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि फोर और थ्री आपस में इक्वल है तो थ्री इसको दो टाइम, और टू और वन आपस में तो ऐसे, तो टू एंगल वन प्लस टू एंगल इक्वल टू टू एंगल थ्री, टू टू कैंसिल हो गया तो एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री हो गया, इक्वेशन सिक्स। अब स्टूडेंट यहां पे आइए फिर से, थ्री और वन इक्वल हो गया, सिमिलरली टू और फोर भी इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, इक्वेशन सेवन, ओके। अब स्टूडेंट यहां जब ये इक्वल हो गया, यहां पे थोड़ा सा समझो, ये जो साइड है आपका, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों के साइड ये इसके बराबर हो जाएंगे, ये इसके बराबर, उसी तरीके से हो सकता है ये। तो स्टूडेंट अब हमें सिर्फ वही लिख देना है, नाउ एंगल वन का अपोजिट कौन सा है, ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, क्लियर है। और सिमिलरली ए डी ए बी हो गया आपका, तो उसी तरीके से सी डी और बी सी भी हो गया, ओके ये भी उसी ये से हो जाएगा आपका। तो अब स्टूडेंट हमारा क्या क्या प्रूव करना था यहां पे, तो प्रूव जो करना था ये तो प्रूव हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा थ्री और फोर प्रूव करना था, थ्री और फोर, तो वन और टू तो यहां पे इससे हो गया आपका, थ्री और फोर प्रूव हो सकता है, ये प्रूव हो गया। तो थ्री और फोर कैसे प्रूव होगा, तो टू वन के बराबर थ्री है और टू के बराबर फोर है, तो अब इस थ्री यहां पे देखिएगा, इक्वेशन
फोर सिक्स एंड सेवन वी हैव फोर सिक्स और सेवन से वन थ्री आपस में बराबर, टू फोर आपस में बराबर है, और वन टू भी आपस में बराबर है। क्लियर है? वन टू आपस में बराबर है तो थ्री फोर भी आपस में बराबर होगा, तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ये प्रूव हो गया। और सेकंड ये हमें प्रूव करना था, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रोम्बस। ओके, प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये सारे जो हमारे थ्योरम हैं, इसमें अब इसका जो सेकंड पार्ट है थ्योरम का, पैरेललोग्राम का, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसे इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।